फ्रेंड्स, वेलकम इन माई चैनल कविता पंडित। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है, शून्य का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाई है। इसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th की वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा जिन लोगों को शून्यक नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और -1, इसमें शून्यकों का योग है 1/4 और गुणनफल है -1। देखिए मान लीजिए ये इस क्वेश्चन में नहीं होगा, ये मैं पहले से बता दे रही हूँ ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा, कोई दो शून्यक है। ठीक है, तो वो शून्यकों का योगफल, यानी दो शून्य अल्फा बीटा है तो उनका योगफल क्या होगा, उनका योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक बी है, तो सबसे पहले हम माइनस रख देते हैं और एक्स का गुणांक बी है तो बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, यानी माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा अचर संख्या सी है, सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर संख्या बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन्हीं दो फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने विस्तार से वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग क्लास मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में क्लास 10th में जाकर इसे देख सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 1/4 -1, इसके लिए हम सबसे पहले बहुपद मान लेते हैं। ठीक है, हमें जो बहुपद निकालना है उसे हम मान लेते हैं कि हमारा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए हम क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल बराबर, हम जानते हैं शून्यकों का योगफल माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बराबर कितना है 1/4 है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए है, ये -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए 4 ही आएगा, तो यहाँ पर बट्टा में 4 लाने के लिए यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर यानी हर एक है, तो नीचे हर लाने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा -4/4। तो यहाँ से देखिए ए बराबर बी बराबर -1 आ रहा है, ए बराबर 4 आ रहा है, यहाँ भी ए बराबर 4 आ रहा है, सी बराबर -4 आ रहा है, इसे हम लिख देते हैं। इसलिए ए बराबर 4 है, बी बराबर -1 है, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, इसीलिए बी बराबर -1 हो रहा है। ठीक है, और सी बराबर, सी भी हमारा -4 आ रहा है। तो अब हम ए बी सी का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए के जगह पर हम ए का मान लिख देते हैं, यानी 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी है हमारा -1x और सी है -4।
इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4, यही हमारा वांछित बहुपद है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है √2 और 1/3। ठीक है, तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम मान लेते हैं माना वांछित बहुपद, यानी जो हमें निकालना है वो बहुपद a x² प्लस b x प्लस c है, और इसे भी हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल है √2, शून्यकों का योगफल यानी माइनस ऑफ b/a। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है √2 है। अब शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी अचर संख्या बटा a x² का गुणांक, जो हमें दिया हुआ है 1/3। यहाँ देखिए a 3 है और यहाँ a 1 है। ठीक है, यहाँ a 1 है तो दोनों में a समान ही होगा, तो इसमें a को 3 मिलाने के लिए 3 से गुणा भाग कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3√2/√2। ठीक है, यानी हमारा माइनस b/a 3√2 - 3 आ गया है। अब हम यहाँ से a का मान निकाल देते हैं, a का मान हमारा क्या आया है, a का मान 3 है, b का मान यहाँ देखिए प्लस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस 3√2 हो जाएगा, और c का मान 1 है। ठीक है, अब a b c का मान 1 में रखने पर हमारा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3x² प्लस b के जगह बी का मान रख दीजिए माइनस 3√2x प्लस c है 1। ठीक है, इसे इसको सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2 प्लस 1, यही हो गया हमारा वांछित बहुपद, यही हमारा हो गया आंसर। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0√5। हम मान लेते हैं जो वांछित बहुपद जो निकालना है उसे ax² प्लस bx प्लस c, और इसे हम 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया गया है शून्यकों का योग कितना है, जो कि माइनस b/a के फॉर्म में होगा, शून्यकों का योग है 0। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल है √5, यानी इसमें बटा 1 है तो इसमें भी नीचे 1 होगा। ठीक है, आप इसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ से आप ए बी सी का मान निकाल लीजिए, देखिए ए बराबर 1 है, बी बराबर 0 है, और सी बराबर √5 है। अब हम ए बी सी का मान इक्वेशन 1 में रख कर देखते हैं क्या होता है। देखिए जब हम इस ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ए की जगह आप 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस बी शून्य है तो 0 × x प्लस सी कितना है, c√5 है। अब इसे एक स्टेप और आगे करते हैं। ठीक है, ये √5 है, ये होगा x² प्लस 0 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5, तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल 1 है और उनका गुणनफल भी 1 है। तो हम मान लेते हैं जो बहुपद निकालना है, माना वांछित बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, और इसे भी 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया गया है शून्यकों का योग, जो कि माइनस b/a होगा, वो है 1। ठीक है, तो 1 के नीचे में 1 तो होता ही है, और शून्यकों का गुणनफल है c/1 जो कि है 1, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं a = 1 है, b = -1 है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये माइनस बी है और ये धनात्मक संख्या है, प्लस में है। ठीक है, इसीलिए b = -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकल जाता है a = 1, b = -1 और c = 1। अब हम इन सबको 1 में ए बी सी का मान 1 में रख कर देखते हैं, ए बी सी का मान 1 में रखने पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यानी 1 × x² प्लस माइनस 1 × x प्लस 1 क्या होता है, एक को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए तो वही हो जाता है x² या माइनस x प्लस
वन, यही हो गया आपका वांछित बहुपद, यही हो गया आपका आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बटा फोर, वन बटा फोर माइनस वन बटा फोर और वन बटा फोर। हम मान लेते हैं हमारा वांछित बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे वन मान लेते हैं। अब हमें दिया है शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए के रूप में होगा जो कि है माइनस वन बटा फोर। शून्यकों का गुणनफल है एक बटा चार। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल देते हैं। ए का मान हमारा आता है फोर, बी का मान है वन और सी का मान है वन। अब हम इसे ए बी सी का मान वन में रख कर देखते हैं क्या होता है। ए बी सी का मान वन में रखने पर देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स बी एक्स प्लस सी यानी वन। इसे आगे सॉल्व करते हैं क्या होता है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है फोर वन। हम वांछित बहुपद जो हमें निकालना है उसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लेते हैं और इसे हम वन मान लेते हैं। हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल जो कि माइनस बी बटा वन के फॉर्म में होगा, ये होगा चार। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल है वन। ठीक है, यानी चार के नीचे वन होगा, वन के नीचे भी वन होता ही है, आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर है हमारा वन, यहाँ से देखिए बी बराबर होगा माइनस चार और सी का मान वन में वन है। ठीक है, अब इसे ए बी सी का मान हम वन में पुट करके देखते हैं क्या होता है। ए बी सी का मान वन में रखने पर ए एक्स स्क्वायर यानी वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी माइनस फोर इंटू एक्स प्लस सी यानी वन। अब इसे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। एक वन को एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस फोर एक्स प्लस वन, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर, यह है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर और इसके नीचे है क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर, क्वेश्चन नंबर टू थ्री का आंसर, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर और इन सब को बनाने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।